आज हम आपको नई कार या फिर बाइक के बारे में नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आज के इस वीडियो में हम आपकी पुरानी यादें जरूर ताजा कर देंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम देश की बेहद पॉपुलर बाइक यामाहा RX 100 के बारे में बताने वाले हैं। देश के सुपरस्टार रजनीकांत से लेकर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और कई फिल्म स्टार्स यामाहा RX 100 के दीवाने रह चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको इस बाइक की सफलता की कहानी बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही शानदार वीडियोस कभी भी मिस ना करें। इस बाइक की सफलता का पहला राज यह है कि यामाहा RX 100 अब तक की एकमात्र ऐसी मोटरसाइकिल है जो गियर में होने के बावजूद क्लच दबाने से भी स्टार्ट हो जाती है, और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसी वजह से ये बाइक क्रिमिनल्स की सबसे फेवरेट बाइक थी, क्योंकि तब के समय में जो भी क्रिमिनल्स क्राइम करते थे वो क्राइम करके भागने के लिए यामाहा RX 100 का ही इस्तेमाल करते थे। इस बाइक की सफलता का दूसरा राज है सिंगल किक में स्टार्ट हो जाना। जी हाँ, गियर में होने के बावजूद भी बिना न्यूट्रल किए इस बाइक का क्लच दबाने से ही ये स्टार्ट हो जाती है, और इसके पिकअप के तो लोग काफी दीवाने थे। कुछ ही सेकंड्स में ये बाइक हवा से बातें करने लगती थी। क्या आपको पता है कि जब यामाहा ने इस बाइक को लॉन्च किया था तब इसका इंजन 100cc का बताया गया था, लेकिन उस समय बाजार में ऐसी अफवाह फैल गई कि यामाहा RX 100 का इंजन 100cc से ज्यादा का है। आज भी वो समय याद आता है जब पॉकेट रॉकेट के नाम से RX 100 ने पूरे बाइक मार्केट में अपनी पकड़ बना ली थी। और एक और खास बात बताएं तो यामाहा ने इस बाइक को भारत में 1984 में लॉन्च किया था, और 1985 में बाइक के 5000 यूनिट्स जहाज में जापान से भारत भेजे गए थे। फिर तो बाइक बेहद पॉपुलर हो गई और कंपनी ने भारत में स्कॉट मोटर के साथ मिलकर इसका भारत में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। 1985 से 1996 तक इस बाइक ने बाइक के शौकीन लोगों के दिलों पर राज किया था, लेकिन फिर कुछ लीगल इश्यूज की वजह से कंपनी ने इसका प्रोडक्शन 1996 में बंद कर दिया था। लेकिन आज भी यामाहा RX के बहुत दीवाने हैं और इसके पुराने मॉडल को मॉडिफाई करवाकर इस्तेमाल करते हैं, और आज भी इस बाइक की मार्केट में बहुत डिमांड है। तो दोस्तों, आपको यामाहा RX 100 बाइक पसंद थी या नहीं हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।